दोस्तों, साल 2008 में कलर्स टीवी पर प्रसारित किया गया सीरियल बालिकावधु न सिर्फ कलर्स टीवी का बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री का सबसे सफल और यादगार शो रहा, जिसने न सिर्फ लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में अपने लिए बेहद खास जगह बनाए रखी बल्कि समाज से कई कुरीतियों को खत्म करने की ओर कदम भी बढ़ाया, जिसके चलते दर्शकों ने इसे अपना भरपूर प्यार दिया। और यही वजह है कि अब इसका दूसरा सीजन पर्दे पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें इस बार एकदम फ्रेश स्टोरी और जबरदस्त स्टार कास्ट नजर आ रही है, जो दर्शकों को इस शो के लिए काफी एक्साइटेड कर रही है। लेकिन दोस्तों, भले ही बालिकावधु 2 पर्दे पर प्रसारित किया जा रहा हो, मगर बीते सालों में बालिकावधु से भी कई बेहतरीन शोज देखने को मिले हैं, जिसके चलते हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा है कि क्या बालिकावधु टीवी इंडस्ट्री पर प्रसारित होने वाले पॉपुलर शोज को टक्कर दे पाएगा या फिर उनके आगे धराशायी हो जाएगा। इसी सवाल का जवाब देते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी के 5 पॉपुलर शो से रूबरू करवाएंगे, जो इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिन्हें दर्शक भी बेहद पसंद कर रहे हैं, और बताएंगे कि क्या उनके सामने टिक पाएगा बालिकावधु सीजन 2। फिर आइए एक एक कर जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो टीवी शोज। नंबर 1, गुम है किसी के प्यार में। इस लिस्ट में सबसे पहला शो है गुम है किसी के प्यार में, जो कि वर्तमान में इंडस्ट्री के सबसे सफल शोज में से एक बना हुआ है। ये शो जिस तरह से पर्दे पर प्रसारित किया गया, उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पसंदीदा टीवी शोज में से एक रहेगा, मगर बावजूद इसके अपनी दमदार स्टोरी और कास्ट के चलते गुम है किसी के प्यार में आज दर्शकों का फेवरेट शो बना हुआ है। मगर जब से बालिकावधु 2 का प्रोमो लॉन्च हुआ है, तभी से हर कोई इस शो से ज्यादा उसके लिए बेहद एक्साइटेड हो चुका है, जिसकी वजह से ये तो बिल्कुल साफ है कि बालिकावधु 2 इस शो को काफी जबरदस्त टक्कर देने वाला है। नंबर 2, छोटी सरदारनी। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला शो छोटी सरदारनी पिछले 3 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। जहां शो की शुरुआत में तो शो ने पुराने कई शोज को पीछे छोड़ दिया और टीआरपी में नंबर 1 पर शामिल हो गया, मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह से लीप लाकर पुराने सितारों को निकाला जा रहा है, वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जब दर्शकों को बालिकावधु 2 जैसे शो में एक फ्रेश स्टोरी और सितारे देखने को मिलेंगे, तो वो बिल्कुल दर्शकों को पसंद आने वाला है, जिसके चलते कहा जा सकता है कि बालिकावधु 2 इस शो को जबरदस्त टक्कर देने वाला है। नंबर 3, अनुपमा। इस लिस्ट में एक नाम स्टार प्लस के शो अनुपमा का भी शामिल है, जो जब से टीवी पर प्रसारित होना शुरू हुआ, तभी से ही टीआरपी में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिसकी वजह अनुपमा का कैरेक्टर है, जो इमोशनली हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही शो में जिस तरह से अनुपमा अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक पॉजिटिव वे में लड़ती है, वो हर किसी को इस शो का दीवाना बना देता है, जिसके चलते ये कहना काफी मुश्किल है कि बालिकावधु 2 इस शो को टक्कर दे पाएगा या नहीं, क्योंकि इस शो से दर्शक इमोशनली अटैच हो चुके हैं। नंबर 4, ससुराल सिमर का 2। बालिकावधु की तरह ही कलर्स का दूसरा पॉपुलर शो ससुराल सिमर का 2 भी पर्दे पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें इस बार की कहानी पिछली बार की तरह काफी ज्यादा मेल खा रही है। वहीं शो में फिर से वही इमोशनल अत्याचार और ड्रामा दिखाया जा रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा उब चुके हैं, और यही वजह है कि जब से बालिकावधु पर्दे पर प्रसारित होना शुरू हुआ है, उसने इस शो की ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से शुरुआती दिनों में ही इसकी टीआरपी बालिकावधु की वजह से गिरने को है, जिससे साफ पता चलता है कि बालिकावधु 2 ससुराल सिमर का 2 को न सिर्फ जबरदस्त टक्कर देगा बल्कि जल्द ही इसे पीछे भी छोड़ देगा। नंबर 5, बैरिस्टर बाबू। इस लिस्ट में आखिरी शो है बैरिस्टर बाबू, जिसकी कहानी भी बाल विवाह से शुरू होती है, जिसमें औरा भटनागर ने अपने क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया। वही अब शो की कहानी भी आगे बढ़ चुकी है, जिसमें औरा नहीं बल्कि आचा साहू दर्शकों का दिल जीत रही है। शो में कहानी के आगे बढ़ने के साथ ही अब रोमांस और ड्रामा भी काफी बढ़ चुका है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए इस शो को छोड़कर दर्शक बालिकावधु 2 को देखने के लिए जाएंगे या नहीं, ये कह पाना काफी मुश्किल है, जिसे कहना कि बालिकावधु 2 इस शो को टक्कर दे पाएगा या नहीं, फिलहाल के लिए काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी।
तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन सीरियल्स के बारे में जानकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।